तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तबाही बर्बादी की तमाम सीमाएं टूट रही हैं। पुतिन जैसे यूक्रेन का नामोनिशान मिटा देने पर आमादा हैं। युद्ध के 51 दिन में हमने आपको वॉर फ्रंट से तमाम खबरें दिखाई और वो तमाम खबरें लगातार हमारे तमाम संवाददाता अपनी जान को हथेली पर रखकर युद्ध भूमि से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज हम आपको जाबाजी से भरी गीता मोहन की रिपोर्ट दिखाते हैं और ये रिपोर्ट इस लिहाज से खास है क्योंकि पहली रिपोर्टर वो हैं जो दुनिया के सबसे नरसंहार करने वाले सबसे खतरनाक लड़ाके चेचन लड़ाकों के ट्रेनिंग कैंप तक पहुंच पाई हैं। दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकों के गढ़ में पहुंचा आज तक। यूक्रेन में चेचेन लड़ाकों के बेस कैंप में पहुंचा आज तक। यूक्रेन के वॉर जोन से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खतरनाक हथियारों से लैस दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाके। अहमद सिला, अल्लाहु अकबर। यूक्रेनी फौज के खिलाफ जंग की तैयारी में हथियार तैयार करते लड़ाके। ये तस्वीर यूक्रेन के मेलिटोपोल की है और मेलिटोपोल में ये ठिकाना है चेचेन लड़ाकों का, रमजान कादिरोव की फौज का। आज तक देश का पहला न्यूज चैनल है जो पहुंचा है यूक्रेन में कादिरोव के ठिकाने पर। चेचनिया के फ्लैग्स, चेचन लीडर, चेचन फाइटर्स यहाँ पर है। गाड़ियां दिख रही हैं आपको, कमांडर मुराद इसी बेस कैंप से बेस्ड हैं। हम अंदर जाके आपको बताएंगे हाल और कैसे ये लोग जी रहे हैं, कैसे तैयारी है इनकी यहाँ पर रूस के लिए लड़ने के लिए। चेचन लड़ाकों के बेस कैंप में हम चले, इससे पहले आपको कमांडर मुराद से मिलवाते हैं जिसका जिक्र गीता मोहन ने अभी किया। कमांडर मुराद मेलिटोपोल में कादिरोव के अहम कमांडर हैं। कादिरोव के आदेश को अंजाम देने के लिए इस बेस कैंप में तैनात हैं। What is motivating him and many others, and how many Chechen fighters are here right now? Ну, как чеченцы, никто не может понять ситуацию, которая творится на сегодняшний день в Украине. Мы сами были жертвами террористических разных режимов. Сегодня мы здесь находимся, потому что люди сами просили о помощи. И мы первые отозвались действительно быть здесь по приказу главнокомандующего, по приказу Рамзана Ахматовича. कमांडर मुराद से बात करने के बाद आज तक उस बिल्डिंग में पहुंचा जिसे चेचेन लड़ाकों ने अपना बेस कैंप बना रखा है। जो चेचेन फाइटर्स का बेस कैंप है वहां पहुंच गए हैं। एक बिल्डिंग को उन्होंने अपना बेस कैंप बना लिया है। कमांडर मुराद ने जैसे कहा था कि वो यहां पर अपने लड़कों के साथ आए हुए हैं और ये देखिए सब रमजान का महीना है तो सबने अपने तैयारी कर लिया है, खाना खा लिया है और अब यहाँ पर वो अभी तैयारी कर रहे हैं कल का। यहाँ पे आप देखेंगे चेचन फाइटर्स हैं, उनके सारे जो असले हैं, उनके वेपन्स, एमिनेशन सब यहीं पर है। ये ऑर्डर्स कादिरोव से लेते हैं लेकिन जैसे कमांडर मुराद ने कहा कि कादिरोव उनके कमांडर हैं, उनके राष्ट्रपति हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन उनके चीफ ऑफ कमांड है और इसीलिए ये दो फ्लैग्स क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि चेचन फाइटर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक समाना था जब वो रूस के अगेंस्ट लड़ते थे, आज वो रूस के साथ खड़े होकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। चेचन लड़ाके दुनिया के सबसे खौफनाक लड़ाके माने जाते हैं। दरिंदगी को लेकर वो कुख्यात हैं। आरोप है कि बूचा नरसंहार में चेचन लड़ाके ही शामिल थे। यूक्रेन के खिलाफ जंग में चेचन लड़ाके बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कीव, मारियोपोल, खेरसन, तमाम जगहों से चेचन लड़ाकों के लड़ने के वीडियो आ चुके हैं। गीता मोहन, मेलिटोपोल, आज तक।